इससे बेहतर अंदाज में बुलंद आवाज से एक सलवात भेजिएगा। मोमिन इकराम, अभी जब मैं यहां पहुंचा तो हमारे एक बुजुर्गवार ने एक फरमाइश कर दी कि आप 3-4 साल पहले आए थे, आपने 2 शेर पढ़े थे, मैं तो भूल भी गया था, मगर उन्होंने वो शेर भी याद दिला दिया कि वो 2 शेर पढ़ दीजिएगा। अब वो इतने बुजुर्ग हैं कि मैं उनकी फरमाइश को टाल नहीं सकता, तो उन्हीं की फरमाइश में बुजुर्गवार की आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं वो 2 शेर जो मुझे नहीं याद, लेकिन वो बता रहे हैं कि मैंने 4-5 साल पहले यहीं आया था जब तो पढ़े थे। ये हमने कब कहा कि हमारी है करबला, ये हमने कब कहा कि हमारी है करबला, हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला। ये हमने कब कहा कि हमारी है करबला, ये हमने कब कहा कि हमारी है करबला, हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला। और कलबे नबी पे जिसने उतारी हैं आयतें, कलबे नबी पे जिसने उतारी हैं आयतें, उसने हमारे दिल में उतारी है करबला। ये हमने कब कहा कि हमारी है करबला, हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला। और कलबे नबी पे जिसने उतारी हैं आयतें, उसने हमारे दिल में उतारी है करबला। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए सूरह अंबिया 73वीं आयत, वजअल्लाहु अइमतन यहदूना बिअम्रिना, और हमने इन्हें इमाम बनाया। मशीयत ऐलान कर रही है, परवरदिगार आलम ऐलान कर रहा है, वजअल्लाहु अइमा, हमने इन्हें इमाम बनाया। क्यों बनाया? यहदूना बिअम्रिना, ताकि ये लोगों की हिदायत हमारी तरफ करें। दो बातें बता दी, एक तो बात बता दी कि इमाम बनाना हमारा काम है, तुम्हारा नहीं। वजअल्लाहु अइमा, हमने इन्हें इमाम करार दिया, ये तुम्हारा काम नहीं। इमामत देना किसका काम है? अल्लाह का काम है, बता रहे परवरदिगार। हाँ, अगर कुफार के कुछ लोग ऐसे गुजरे तो परवरदिगार ने उन्हें कुफार का इमाम करार दे दिया। वजअल्लाहुम अइमतल कुफ, मसलन फिरौन, नमरूद, इस टाइप के जितने लोग थे, कहा कि सबको हमने कुफर का पेशवा बना दिया ना। लेकिन अल्लाह ने वो मनसब सबसे बड़ा उनको भी दिया, यानी असफल असाफिलीन वाला, और आला तरीन दर्जा भी अल्लाह ने दिया कि लोगों की जो इमामत है, और पहचान भी बता दी, वह यादुना अम्रेना, यादुना भी अम्रेना, ये किसकी तरफ, क्या करते हैं, इनका काम क्या है, हमारी तरफ बुलाते हैं। बस जो अपनी तरफ बुलाएगा वो लोगों का बनाया हुआ इमाम होगा, जो अल्लाह की तरफ बुलाएगा वो अल्लाह का बनाया हुआ होगा। ऐसे ही है ना, बस ये याद रखिए कि लोग बनाते हैं, अल्लाह चुनता है। नहीं, और आसान कर दूं, लोग छाटते हैं, अल्लाह चुनता है। और आसान कर दूं, लोगों का होता है छटा हुआ, अल्लाह का होता है चुना हुआ। समझ में आई बात? हमने इन्हें इमाम बनाया। बच्चे ज्यादा समझ रहे हैं माशाल्लाह, या फिर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, दो में से कोई एक बात है यार। हाँ, लोग आदि नहीं है ना सुनने के, हम लोगों को मुसीबत ये है। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। वजअल्लाहु अइमा, हमने इन्हें इमाम बनाया। इमामत ऐसी चीज नहीं है कि तुम 4 आदमी बैठो इमाम बना दो। एक फर्क क्या है? फर्क ये है कि दुनिया ने जितने इमाम बनाए, इमाम बन ही नहीं सकता जब तक अपने पहले वाले से इख्तलाफ ना कर ले। इख्तलाफ 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 नहीं करेगा तो इमामत कैसे? मतलब वो कहेंगे भाई वो पहले वाले ठीक है ना, जब सारा कुछ वही सही है तो फिर तुम काहे के हो। लिहाजा इमाम बनने के लिए इख्तलाफ, लिहाजा जितने इमाम उतनी ही फिक्र है। समझ में आई बात?
अब समझ में आया जो कहना चाह रहा हूँ? जितने इमाम उतनी ही मजाहिब बन गए, हम कोई वो थोड़ी करेंगे ना। भाई ठीक है, अच्छे हैं, सही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ जो इमामत मिलेगी तो उस इमामत का मकाम क्या होगा कि जब तक इख्तिलाफ ना कर ले खुद इमाम नहीं बनता ना भाई। इख्तिलाफ करेगा तो इमाम होगा ना, जैसे बादशाहों का होता है। बेशक बेटा बादशाह बने, लेकिन अपनी बादशाहत मनवाने के लिए कुछ अपने अहकाम नए जरूर लाएगा, लाएगा ना, वरना उसको मानेगा कौन बादशाह के? काय का बादशाह भाई, सारे अहकाम पुराने वही है, नहीं मानेगा ना। बस दुनिया में इमामत के लिए शर्त क्या है? इख्तिलाफ, इख्तिलाफ, इख्तिलाफ। अल्लाह जब इमामत देता है, नबुवत देता है, रिसालत देता है, तो नबी भी उस वक्त भी नबी नहीं जब तक अपने से पहले वाले की तस्दीक ना करे, रसूल रसूल नहीं जब तक पहले रसूलों की तस्दीक ना करे। इमाम भी वही इमाम जो अपने से पहले वाले सब की तस्दीक करे। अल्लाह का बनाए हुए इमामों में कभी इख्तिलाफ नहीं होगा, दुनिया के बनाए हुए इमामों में इख्तिलाफ होगा। इस उसूल को याद रखना कि अल्लाह जिसे इमाम बनाएगा वो क्या होंगे, उनमें कभी इख्तिलाफ कैसे बनाएगा? जनाब इब्राहिम के बाप में कायदा बता दिया कि जब इब्राहिम सारे इम्तिहान में पूरे उतरे, आप सारा साल उन पे मजाली सुनते रहते हैं, पूरे उतरे, हमने उन्हें इमाम बना दिया। और जब इमाम बनाया तो पुकार उठे इब्राहिम, एक सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। चलिए जब तक ये हजरत तशरीफ रखे मैं पानी पी लूं। बड़ा इम्तिहान है मेरा आज, सुबह से इम्तिहान दे रहा हूं। चलें जी, इम्तिहान भी देंगे। आने दो भाई, आने दो, रास्ता दे दो, आओ बेटा, आ जाओ ऊपर से, फलांग के आ जाओ, आ जाओ आदमियों पर से, आ जाओ ना ऊपर से, आ जाओ, कोई बात नहीं, फलांग लो, हाँ फलांगे लगा लो। अल्लाह अकबर, सलावत भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। एक बार और सलावत इनायत फरमा दीजिए। बहरहाल अभी इम्तिहान तो देने पड़ते हैं, एक यहां भी हो गया, सुबह से ही हो रहा है। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बस चाहा कि इमामत दें, कह दिया ये लीजिए इमामत आपको दे दी हमने। अब ये मनसब ऐसा था कि जनाब इब्राहिम, अब ये सुनते रहते हैं आप मजालिस में, मैं तो मुकदमे के लिए दो तीन जुमले अर्ज कर रहा हूं कि मुकदमा कायम कर लो, तो बस ज्यादा जहमत भी आपको नहीं देनी क्योंकि मैं माहौल को देख रहा हूं। तो बस वो हुआ ये कहा कि अच्छा आप फौरन पुकार उठे कि मेरी औलाद को भी दे दे इतना बड़ा मनसब। कहा नहीं, ऐसा थोड़ी होता, सबको थोड़ी मिलती इमामत। ला यनालो हदीस जालिमीन, जालिमों को ये हिद ना मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इब्राहिम की नस्ल में भी जालिम आने वाले हैं।
ला यनालो अहदी जालिमीन, जालिमीन से यह पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि मशीहत जानती है कैसे कैसे अबू जहल, अबू लहब, अबू फला, अबू फला, अबू फला, जितने अबू जहन में आ रहे ले आइए। नाम लेने की, नाम लेने की जरूरत थोड़ी है, वो खुद ब खुद पहुंच जाएगा, मतलब जहां पहुंचना है पहुंच जाएगा ना। तो जितने अबू 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 थे ये सब आने वाले हैं ना, याद कर नहीं, इनसे अहद पूरा नहीं होगा, बल्कि उसी को मिलेगी जो इसकी अहलियत रखता होगा। समझ में, इसका मतलब अहल और नाअहल दोनों जनाब इब्राहिम के सुल्ब में है, है ना। घबरा क्यों रहे आप, जनाब आदम अलैहिस्सलाम के सुल्ब में सब हैं कि नहीं है, है कि नहीं है। ये तो परवरदिगार ने फैसला किया कि जिनको इमामत देनी है, जिन्हें मनसब देना है, वो कहां होंगे, असलाबे शामिखा अरहामे मुताहरा में। ज़ियारत वारिसा में पढ़ते हो ना, अशहदु अन्नका कुंता नूरन फिल असलाबे शामिखा वल अरहामे मुताहरा, हुसैन आप वो नूर हैं जो असलाबे शामिखा अरहामे मुताहरा में गर्दिश करते रहे। कैसे तलाश किया जाए इन अनवार मुकद्दसा को, 10-15 मिनट से ज्यादा की ज़हमत नहीं आप, कैसे ढूंढा जाए इन अनवार मुकद्दसा को। जनाब मूसा जब हुक्म आई इज़ाबेला फिरौन इन्नहु तगा, जाइए फिरौन की तरफ, इन्हें सरकशी की है, चले गए। 3-4 मकामात पे खौफ का इजहार हुआ, डरे ना, आग देखी सहरा में दरख्त के निकलती हुई आग देखी, आवाज सुनी, वापस मुड़के भागे, आवाज आई ला तखफ ला तखफ ला तखफ, खौफ मत खाओ खौफ मत खाओ। आयत ही बता रही है कि खौफ हुआ, डरे कि नहीं डरे, डरे ना। साहिरों ने रस्सियां फेंकी, सांप बन गए, डर गए मूसा। फिर कुरान ने आवाज दी ला तखफ, मत डरिए मत डरिए। ये मत डरने की आयत बता रही है कि डरे। 4 मकामात कम से कम खौफ का एहसास हुआ जनाब मूसा, औरों की मिसाल नहीं दे रहा, महदूद वक्त एक मिसाल दे दी, समझ गए बात, डरे। कोई तफसीर, कोई किस्स अंबिया, कोई शरह बता दे कि जब इब्राहिम को आग में फेंका जा रहा हो वो डरे हो, डरे? अरे नहीं डरे भाई, फेंक दिया इंजीनियर से इतनी बड़ी आग में, जितनी बड़ी आग, इतनी बड़ी आग थी कि 5 किलोमीटर दूर बैठना पड़ा सबको, आग लगाने वालों को भी, क्यों, उनके दामन तक आग आ गई, जो इब्राहिम के लिए लगाई थी वो अपने दामन में आ गई। इसलिए हमेशा नसीहत करते हैं अपने दुश्मनों को कि इतनी आग ना लगाओ कि तुम्हें खुद भी जलना पड़े, और जितनी आग लगाई थी आज उसके नतीजे सामने आ रहे ना, हम वही हैं, हम वही हैं। हमारा जद इब्राहिम आग से सुरखुन निकला, हम 14 सदियों से आग और खून के समंदर से निकल रहे हैं, हम वही हैं, हमारी अजादारी वही, जुलूस वही, मजलिस वही, चंद जाने ही तो गई, जाने दो जाने, इन जानों का अजादारी के मुकाबले में कोई मुकाबला नहीं है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक लब्बैक। समझ में आई बात, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जा की तो कोई बात नहीं, मरना तो है ना, है मरना। सवाल, या सवाल अपनी जगह, जनाब मूसा भी उलुल अज़्म पैगंबर, साहिब किताब पैगंबर, और इधर जनाब इब्राहिम बुत शिकन खलील खुदा, एक तरफ खौफ है एक तरफ खौफ नहीं। मसला क्या है, जनाब इब्राहिम के कितने बेटे, 2, एक जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम, दूसरे जनाब इसहाक, यही है ना, दोनों नबी, दोनों नबी। जनाब इसहाक की नस्ल में 70,000 के लगभग अंबिया, ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं। बनी इसराइल के सब नबी कहां हैं, जनाब इसहाक की औलाद है ना, जनाब इसहाक के बेटे याकूब,
याकूब का लकब इसराइल, उनके 12 बेटे बनी इसराइल, उनके बेटे यूसुफ, उनके बेटे लावी, लावी से अंबिया का सिलसिला चला। जनाबे मूसा लावी की नस्ल में 70,000 से ज्यादा अंबिया हैं कि नहीं है? हैं। और जनाबे इस्माइल की नस्ल में सिर्फ एक नबी है बस, और कोई नहीं। जनाबे इस्माइल की नस्ल में एक नबी, कौन? पैगंबर खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सलावत भेजिए मोहम्मद आलम। समझ में आई बात? अच्छा, ये नूर रिसालत कहां गया? इसहाक में या इस्माइल में? पैगंबर खत्मी मर्तबत का नूर कहां गया? इस्माइल में। वहां गया? हैदर करार का नूर कहां गया? इस्माइल में। हसन मुश्तबा का नूर कहां? इस्माइल में। मासूम कौनैन का नूर कहां? इस्माइल में। समझ में आ रही है बात? इतनी बात समझ में आ गई कि वो नूर वहां ऐसे ही हुआ? अब आइए, आग में फेंका गया इब्राहिम को, ये नूर इब्राहिम से कहां गया? इस्माइल में गया। समझ में आई बात? एक और मंजर दिखा दूं 2-3 मिनट में। अबरा के हाथियों ने हमला किया मक्के पर, पूरा वाकया नहीं पढ़ूंगा, जानते हैं आप। पूरा मक्का दौड़ गया पहाड़ों में। कहां दौड़ गया? पहाड़ों में, घारों में। अल्लाह के बंदो, आज के उनसे अंदाजा लगा लिया कोने कल कहां रहते थे इनके बाप दादा? जो कल पहाड़ों घारों में मिलते थे वो आज भी पहाड़ों घारों में मिलेंगे, जो कल मैदान में खड़े थे आज भी मैदान में। मैदान मैदान मैदान, पहाड़ों घारों में नहीं मिले, गिनते चले जाओ मैदान। जुलशीरा हमारा मैदान, बद्र, ओहद, खैबर, खंदा, हुनैन, मैदान मुबाहिला, मैदान खदीर, मैदान करबला। हैदर समझ में आ गई बात? मैदान मैदान। इसीलिए कुछ जानों का ज्यादा नुकसान हुआ तो परवाह नहीं, लेकिन ये जिल्लत नहीं ली जिनके बाप दादा पहाड़ों गारों में भागे थे अब्रहा के मुकाबले पर, दौड़ गए थे अपना माल वाल उठा के, चलो जाने बचा, कोहे फारान, कोहे अबू कुबैस मशहूर हो गए पहाड़, ये कौन से पहाड़ का? ये सारे भागे थे मक्के वाले ऊपर। कौन खड़ा था मैदान में? अब्दुल मुत्तलिब। अकेला अकेला अकेला, हाथियों के लश्कर के मुकाबले में अकेला अब्दुल मुत्तलिब सीना तान के खड़ा है, पीठ काबे से लगी हुई। आज तक किसी ने एतराज नहीं किया कि काबे को पीठ करना जायज नहीं, ये अब्दुल मुत्तलिब ने काबे से पीठ क्यों लगाई? क्यों? आज भी जायज नहीं, जमाने जाहिलियत में भी जायज नहीं था कि मस्जिदुल हराम में बैठ के पीठ काबे की तरफ कर लो, लेकिन जानती है दुनिया, अब्दुल मुत्तलिब भी जानता है कि आज मशीयत को ये तो गवारा है कि उसके घर को पीठ दिखा दो, ये गवारा नहीं कि उसके दुश्मन को पीठ दिखा। याद रखना याद रखना। क्यों मूसा को खौफ क्यों हुआ? क्यों हुआ? मूसा है इसहाक की नस्ल में। समझ में आई बात? इब्राहिम को जब आग में फेंका जा रहा था तो कैसा डर, कहां का डर, कैसा खौफ? इंसाफ से बताओ, सुल्बे इब्राहिम में नूरे मोहम्मद और नूरे हैदर करार है या नहीं है? और जिस सुल्म में नूर हैदर करार हो वहां खौफ नहीं होता। बस यही सबब है जब अब्दुल मुत्तलिब हाथियों के लश्कर के मुकाबले में तने तनहा सीना ताने खड़ा है तो इंसाफ से बताओ, सुल्म अब्दुल मुत्तलिब में नूर मोहम्मदी और नूर हैदरी है या नहीं है? और जिस सल्ब में हैदर करार का नूर है वो पीठ दिखाएगा? बस अली के शियो, इस उसूल को याद रखना, खबरदार कोई तुम्हें बहका के चला जाए। नहीं, हम मैदान वाले लोग हैं,
परेशान हो जाते हो ना कभी कभी हालात से, हालात ऐसे हालात वैसे। ओ खुदा के बंदो, शुक्र अदा किया करो। इसी से परेशान हो के सारा दुश्मन जमा होता जा रहा है, इकट्ठे होते जा रहे हैं, इत्तेहाद बनाते जा रहे हैं। शुक्र अदा करो कि तुम्हारे खिलाफ सारी बातिल ताकतें जमा होकर ऐलान कर रही हैं कि जिनसे मुकाबला है ये मैदान वाले हैं। समझ में आया? शुक्र अदा करो, अपनी अपनी खुद कद्र करो कि तुम्हारे मुकाबले में बातिल है। दुनिया के तारीख बशरियत के सफाक दरिंदों से तुम्हारा मुकाबला है। और खुदा की कसम, चश्मे फलक ने कल भी देखा था और आज भी देख रही है कि जिनकी दहशत सारी दुनिया पर बिठाई गई थी, अली वालों ने, करबला वालों ने उन्हें ऐसा जलील किया कि कयामत तक उनके नाम गाली बना दिए। ऐसे ही है। अब समझ में आ गई बात? क्यों? हमने उन्हें माना जिन्हें अल्लाह ने हमारे लिए बनाया था, हमने उन्हें नहीं माना जो खुद छटे हुए थे। यानी लोगों ने छाटा था, भाई बुरा ना मानो, लोगों ने उन्हें छाटा था और अपने किसे माना? जिसे अल्लाह ने बनाया, जिसे अल्लाह ने हमारे लिए बनाया। बस याद रखना एक उसूल, मैंने कह दिया, ज्यादा लंबी तकरीर मुझे नहीं करनी, एक उसूल याद रखना, ये मिंबर अमानत है। हुसैन ने इज्जत दी, शोहरत दी, अजमत दी, जो तुम चाहते थे दिया, हुसैन ने दिया, बस। अब ये हुसैन के शियों का हक है कि यहां से दाखिली मसाइल और इंतशार को उजागर ना किया जाए। ये मजलूम है अली के शिया, इन्हें ना उलझाओ मसाइल में, इमाम आएगा फैसला कर देगा। ठीक, आज का जमाना कैसा जमाना है? यहां से अली का पैगाम, करबला का पैगाम, आशूर का पैगाम जाना चाहिए यहां से। दुनिया इकट्ठा हो रही है, होने दो इकट्ठा। चाहा था फिरौन ने कि मूसा के आने को रोक दे, इब्राहिम ने चाहा, नमरूद ने चाहा इब्राहिम के आने को रोक दे। उस वक्त की सुपर ताकतें जमा हो गई कि किसी भी तरह रोको मूसा ना आए। लेकिन बताओ, अल्लाह का वादा पूरा हुआ कि नहीं हुआ? इब्राहिम भी आया, मूसा भी आया, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने खुद देख भी लिया, सुन भी लिया कि सारी शैतानी ताकतें जमा हो रही हैं किससे लड़ने के लिए। हम महदी से लड़ेंगे, तो जाओ सजदे शुक्र करो, महदी कहीं और नहीं, महदी तुम में से है। इनका जमा होना बता रहा है, तो मुश्किलात से घबराना नहीं, तुम्हारा इमाम छान रहा है छन्नी में। समझ में आ गई बात? छान रहा है, सबको सलाम, सबके लिए मोहब्बत, सब पढ़ने वाले, हमारे सरों के ताज और हमारे ताजों के नगीने सब पढ़ने वाले। बस एक ही पैगाम, अली के शियों को एक जगह रखो, जैसे हुसैन ने एक जगह रखा था। आज हुसैन के नाम पे सब आगे नहीं आ गए? खुदा की कसम, आगे कि नहीं? हुसैन ने प्लेटफॉर्म दिया, हुसैन ने तुम्हें जमा किया। दुआ किया करो दुश्मनों की नजर न लगे इस आजादारी के प्लेटफॉर्म को। इंसाफ से बताओ, हजारों शहादतें देने के बाद तुम्हारे जुलूस बढ़ गए या घट गए? मजलिसें बढ़ गई या घट गई? जिक्र बढ़ा के कम हुआ? अब तो सारी दुनिया में कोई कोशा शायद ही ऐसा हो जहां हुसैन का जिक्र ना हो रहा हो। क्यों? इसके जिक्र की जिम्मेदारी मेरी तुम्हारी नहीं है, इसके जिक्र की जिम्मेदारी अल्लाह पर है। लब्बैक लब्बैक, अल्लाह सबको इज्जत दे, अल्लाह सबको अजमत दे, अल्लाह सबको इस मुआशरे में जो इज्जत का मकाम हो सकता है, सरबुलंदी का मकाम हो सकता है, वो दे। सब हम हैं, सब एक हैं, लेकिन साम्राज्य चाहता है
उसके गुमाश्ते ये चाहते हैं कि किसी तरह इनको आपस में लड़ाओ। क्यों? उनके लिए थोड़ी लड़ेगा, उनकी फिक्र क्यों करेगा? ओ भाई, जहां से चोट लगेगी वहीं से तो फिक्र करेगा ना, करेगा। अच्छा ये बताइए कि मशी में, आखिरी बात हो, मसाइब पे आता हूं, मशी में आप जाते हैं, करोड़ों लोग, जिस साल मैं गया था उस साल उन्हीं ने अनाउंस किया था 4,60,00,000, 4,60,00,000, चलो कह रहे ज्यादा बता रहे, चलो भाई 3,60,00,000 तो मान लोगे, चलो मान लो, करोड़ों कह दो, कितने करोड़ों? क्या कोई असलाह था उनके हाथ में? या अभी होता है कोई मिसाइल, कोई टैंक, कोई खुदकुश जैकेट, कोई टीटी, कोई कलेशन को, कोई पटाखा, कुछ है? नहीं है। फिर क्या बात है? ये पैगाम याद रखना जो दे रहा हूं आखिरी, क्या बात है? क्यों दुनिया खौफजदा है उन बूढ़ों से, उन बच्चों से, उन औरतों से, उन खाली हाथ लोगों से जो पैदल चले जा रहे हैं, बस कोई होश नहीं, बस करबला करबला करबला, खाली हाथ खाली हाथ। क्यों? ये तो साम्राज्य जानता है ना कि ये खाली हाथ बड़े बड़े एटम बम से ज्यादा ताकत रखते हैं। करबला करबला, सुनो बेटा, वक्त मेरे पास कम है, मेरे पास वक्त कम है, नारे हैदरी एक लगाओ ताकि मैं बात को आगे बढ़ाऊं, जोर से कोई बच्चा, बस क्या है ये, मुझसे सुनो, ड्रिल है ये, जो तुम नजफ से करबला जाते हो ना, ये मश्क है, मश्क। जैदा ने जंग में जाने से पहले ड्रिल कराई जाती है कि नहीं, मश्क कराई जाती है कि नहीं? बस तुम्हारे जमाने का इमाम अपने लश्कर को तैयार कर रहा है। ये पैदल जाना, अरे 10 कदम चल सकते हो 10 कदम चलो, 100 कदम चल सकते हो 100 कदम चलो, इमाम के लश्कर में ना सिनो साल की कैद है, ना बूढ़ा ना जवान ना बच्चा, जो जितना चल सकता है, आ जाओ मेरे साथ और हुसैन के दरबार में आके, रोजे में आके बायत करो और एक बार कहो लब्बैक या हुसैन। समझ में आ गई बात? यह है वो इमाम का लश्कर जिसको इमाम खुद ड्रिल कराता है। और क्या समझते हो, तुम पैदल जा रहे होते हो, इमाम साथ नहीं होता? साथ होता है, साथ होता है। मुझे याद, मैंने पढ़ा है और सुना भी है, शेख मुर्तजा अंसारी का वाकया, बहुत बड़ा मर्जे भी, उस्ताद भी, जिसके कुछ शागिर्दों में सैकड़ों मुश्तैकीन अब तक हो चुके, आशूर का जुलूस, और जा रहा है ये पैदल जा रहा है, सब पैदल जा रहे हैं और आगा भी शागिर्दों के साथ जा रहे हैं साथ। अचानक एक बच्चों का, छोटे छोटे मासूम बच्चों का दस्ता जा रहा था, शागिर्दों ने देखा कि अचानक दीवानावार शेख ने अपना अमामा उतारा और दौड़ के बच्चों के उसमें दस्ते में शामिल हो गए, मातम शुरू कर दिया, बहुत देर बेहोश हो गए, लेकर आ गए। 5-6 दिन बाद आशूरा खत्म हुआ, छुट्टियां खत्म हुई, क्लास शुरू हुई, शागिर्दों ने कहा उस्ताद मुअज्जम ये क्या हुआ, आप ठीक है मातम कर रहे थे सब कर दी, अचानक क्या हुआ? फिर रोने लगे, कहते कैसे बताऊं तुम्हें, उन मासूम बच्चों के दस्ते में मेरे जमाने का इमाम मातम कर रहा। समझ में आया? समझ में आई बात? इसलिए जबाने खोलने से पहले थोड़ा सा गौर कर दिया करो, ये वही है, ये वही उलमा है कि अगर ये ना होते तो ना मालूम क्या हो चुका होता। इन्हीं ने पूरी दुनिया में तुम्हें इज्जत दी, तशय्यों की इज्जत का कलमा पढ़वाया, इनके फतवे पे माओ ने अपने बच्चों को भेज दिया कि घर में बैठना हराम, जाओ करबला बचाओ, जाओ नजफ बचाओ, जाओ साम्राज्य आजाद कराओ, 13-13, 14-14 साल के बच्चे निकले और वो मारा दुनिया के दहशत गर्दों को, कि साम्राज्य पे जब कब्जा किया था दहशत गर्दों ने तो ऐलान किया था आज के बाद यहां कोई जाहिर नहीं आएगा, और जब मुजाहिदों ने वापस छीना तो वहीं खड़े होकर सबसे बड़े मुजाहिद ने ऐलान किया था कि आज के बाद कोई जाहिर को आने से रोक नहीं।
खाने खोलने से पहले सोच तो लिया करो, मशी कर रहे हो ना। बस इतना याद रखा करो, हुसैन साथ है, कहीं बीवियों के झुरमुट में सानिया जहरा भी साथ है, कहीं बच्चियों के झुरमुट में मुमकिन है हुसैन की 4 साल की बच्ची भी हो। मालूम है, अच्छा मुझे याद आ गया, मुझे हुक्म दिया गया कि इमाम हसन ने मुझे तबा की शहादत पढ़ो। हुसैन कौन? अभी वाकई करबला हुआ नहीं, लेकिन उसका गम मनाया गया। हुजूर ने मनाया नहीं मनाया? हमारे बिरादरान क्या रिवायात हैं, फजल इब्ने अब्बास, जनाब अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास और भी दीगर, जनाब उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी, सारी मैंने जमा किए, मुहर्रम में शरा पड़ा था, पेश कर दी थी। हुआ, रोते थे, जिक्र करते थे, खुद भी रोते थे, दूसरों को भी रुलाते थे अल्लाह के रसूल। जानते हसन भी जानते हैं कि मेरे भाई को कौन सा मारे का दरपेश होगा, लिहाजा एतराफ जुर्म करवाया, लिखवाया, बेशक फाड़ दो, फेंक दो। यही तो दोनों भाइयों का कारनामा है, एक ने इकबाल जुर्म करवाया, दूसरे ने करबला में सजा दी, ऐसी सजा दी कि कयामत तक के लिए लानत का तौक यजीदियत के गले में डाल दिया। जान छुड़ाना चाहते हैं, करबला इनकी जान नहीं छोड़ती, करबला इनकी जान। अपने बच्चों को हसन ने वसीयत कर दी थी ना, हुसैन हुसैन हुसैन, फाड़ दी, सुलानामा खत्म हो गया। लेकिन मुआशरा तो जानता था ना कि हसन कौन है, मुआशरा तो जानता था, क्या किया जाए। साजिशों की तैयारियां शुरू हुई, इसीलिए बार बार हसन मुश्तबा कहते थे मुझे धोखा तो नहीं देगी। ज्यादा बिनते अशस, मुनाफिकों का खानदान है पूरा, अशस बिन कैस जिसने मौला से गद्दारी की सिफीन में, ज्यादा बिनते अशस उसकी बेटी, और एक और नाम याद रखना इसके बेटे मोहम्मद इबन अशस, ये खबीस खत लिखने वालों में था और करबला में हुसैन को कत्ल करने वालों में था, उस लश्कर में था, यजीद के लश्कर में था, पूरा खानदान मुनाफिकों का खानदान। तो बार बार इससे कहते थे, अब ये ना कहना कि जब मालूम था तो हसन मुश्तबा ने शादी, क्योंकि बात बहुत पीछे तक चली जाएगी। नूह को भी मालूम था, लूत को भी मालूम था, तो बात तो पता नहीं कहां कहां जाएगी। ये मशीयत इलाही, ये मशीयत इलाही, इसको खरीदा गया। क्या लालच दी गई? तू मलका बन जाएगी पूरे आलम इस्लाम की, पूरे आलम इस्लाम की मलका बना दी जाएगी, ये काम कर। 1 लाख दीनार दिरहम दीनार ना मालूम क्या 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 पहुंचा दिया गया। जहर जो भेजा गया था ना आजादारा ने हुसैन, मैं देखिए मुबालगा नहीं करता, उस पर भी ना एहतियात करता हूँ, डर लगता है। जो शीशी भेजी गई थी उसका पूरे तफसील मौजूद है मकातिल में, जहर हलाहल, उस जहर की तारीफ ये की गई थी कि अगर इसे दरिया में डाल दिया गया तो आबी हयात खत्म हो जाए, यानी पानी में कोई जानदार जिंदा, पानी का कोई जानवर जिंदा नहीं, एक शीशी अगर ये डाल दी गई सब खत्म हो जाएगा। इसके चंद कतरे हसन के मशरूब में, यानी पानी में मिला देना। और जब वो रात आई जिसका इंतजार था, जाहिर जानते ना मासूम रोजे से यहां आए हैं रोजा अफ्तार के, तो इसने वो जिसके चंद कतरे काफी थे वो पूरी शीशी एक सुराही में डाल दी। आप सुराही कह लीजिए, उस जमाने का गड़ा कह लीजिए, जो भी रहा पानी का जर्फ, उस पानी के जर्फ में पूरी इसने वो शीशी उंडेल दी। अब सुनिए, जब रात में इमाम को प्यास का गलबा हुआ और आपने पानी मांगा, इसने वही पानी कूजा भर के इमाम को दिया। अब सुनिए आप, इमाम ने जुरअतैन, सिर्फ 2 घूंट, कितने घूंट? 2 घूंट, बस 2 घूंट लिए थे, इमाम का वजूद लरजने लगा, कूजा हाथ से छुट गया। अब जहर का असर बताऊं, जब ये पानी गिरा जमीन पर तो जमीन जोश मारने लगी, यानी जमीन को काट के रख दिया इस जहर ने। बस मासूम ने अपने कलेजे को थामा और एक फरियाद बुलंद की, तूने वही किया जिसका मुझे डर था। लेकिन याद रख, जिस लालच में तूने ये किया, तेरे हाथ कुछ भी नहीं आएगा दुनिया और आखिरत के खसारे के सिवा। हुसैन को आवाज दी, अब्बास को आवाज दी, बस हसन के घर से जो फरियाद बुलंद हुई, हाशमियों के दरवाजे खुलना शुरू हुए। सबसे पहले जो हस्ती पहुंची उसका नाम है ज़ैनब, सबसे पहले,
सबसे पहले ज़ैनब, हुसैन, अब्बास, सब बहन भाई पहुंच गए। एक कयामत का शोर बरपा है। कहते हैं कि हुसैन ने अपने जानू पे सर रखा, कभी ज़ैनब ने अपने जानू पे हसन का सर रखा। कुछ ही देर में हुसैन के जिगर के, हसन के जिगर के टुकड़े कट कट कर गिरने लगे। लगन रा के रखा बहन ने, लगन में वो टुकड़े गिरे। मैं कहता हूं नहीं नहीं, मैं कुछ और देख रहा हूं। इंसाफ से बताओ, जब हुसैन करबला में जीन से जमीन पर आए थे और गला जुदा किया जा रहा था, गुलुए मुबारक पे खंजर चल रहा था, हुसैन का सर कहां था? कहीं और नहीं, मां की आगोश में था। मुझे यकीन है कि यहां भी फातिमा जहरा ने जमीन पे जिगर के टुकड़े गिरने नहीं दिए होंगे। अपना दामन फैलाया होगा, अपना दामन फैलाया। बस ये आखिरी वक्त अपने बेटों को जमा किया, अहले खाना को जमा किया, एक एक को वसीयत करते जा रहे हैं। आखिर में कासिम पे निगाह पड़ी, 2-2.5 साल का कासिम। उसकी माँ को बुलाया, जनाब उम्मे फरवा को हुक्म दिया, लेकर आओ कासिम को। कासिम को सीने से लिटाया, सीने पर लिटाया, सर के बोझ से, गले के बोझ से, बाजुओं के बोझ से, सीने के बोझ से, चेहरे के बोझ से, और रोते जा रहे हैं। न मालूम क्या देख रहा है मेरा मौला हसन, कि मेरे बच्चे के जिस्म पर कहां कहां घोड़ों की टापों के निशान। किस तरह पामाल किया जाएगा मेरे बच्चे के लाशे को। वो खास वसीयत की, दूसरे बेटे बड़े हैं, उन्हें मैंने वसीयत कर दी, लेकिन कासिम छोटा है। तुम याद रखना, जब वाकई करबला होगा, ये इतना बड़ा हो जाएगा कि तलवार उठा ले, इसे मैदान में जाने देना। अगर मेरा भाई ना जाने दे, ये मेरी वसीयत, तावीज की सूरत में बांध दो, ना जाने दे, ये मेरी तहरीर भाई को दिखा देना। वसीयत है कि सुने अजादारा ने हुसैन, वसीयत है कि रुखसत हो गया, लिकाउल्लाह से पेवस्त हो गया, माँ की आगोश में चला गया। अली अपने साथ लेके चले गए, नाना अपने साथ लेके चले गए, जनाजा तैयार। और तय ये पाया कि भाई नाना के पहलू में दफन किया जाएगा। वसीयत कर दी थी हुसैन ने, अगर कोई जंग की नौबत आए, झगड़ना नहीं, जगना करना, मुझे माँ के कदमों में दफना देना। जनाजा तैयार करके हाशमी निकले, और उधर बनी उमैया के 300 तीर अंदाज। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, मुझे कुछ और पढ़ना है। 300 तीर अंदाज तैयार, ऐलान हुआ कि हम नहीं दफनाने देंगे रोज़े रसूल में हसन को। बस इतना सुनना था, अब्बास का हाथ कब्जे शमशीर पे गया। किसकी मजाल है मेरे आका को नाना के पहलू में दफन होने से रोकेगा? अब्बास ने, हुसैन ने देखा अब्बास के जलाल को, शाने पे हाथ रखा, नहीं अब्बास, अब्बास भाई की वसीयत है, जंग नहीं करनी, हम जनाजे को ले जाएंगे, बकी में दफनाएंगे। अभी हुसैन बनी हाशिम के जज्बात को ठंडा कर रहे थे कि 300 तीर एक साथ चले, 300 तीर जनाजे में पेवस। सुनो, अभी बहने, अभी बहनों ने रुखसत किया था, अचानक गली में शोर उठा, ज़ैनब का कलेजा हलक को आने लगा। मेरे भाइयों की खैर, अभी तो भाई का जनाजा लेकर गए हैं, अरे ये क्या कयामत बरपा है फिजा, देख देख ये क्या कयामत बरपा है। फिजा ने पर्दा हटाया, चिल्ला कर कहती है, भाई वापस आ रहे हैं, भाई का जनाजा लेकर आ रहे हैं। जब अभी ये गुफ्तगू हो रही थी, हुसैन, अब्बास, मोहम्मद हनफिया भाई का जनाजा लेकर पहुंचे, सैकड़ों तीर पेवस्त, सुर्ख हो रही थी कफन की चादर। भी बहने पछाड़े खाने लगी, पूछा सानिये जहरा ने, भैया ये क्या हुआ, तुम तो नाना के पहलू में दफनाने ले गए थे। हुसैन बैठ गए जनाजे के पास, कहा बहन वो सारी बातें बाद में, पहले भाई के जनाजे से तीर तो निकालो। बहने रोती जाती हैं, तीर निकालती जाती हैं। बस आखिरी जुमला कहना चाहता हूं, यहां इतना तो हुआ, ए सानिये जहरा, ए शहजादी ज़ैनब, ए शहजादी उम्मे कुलसूम, इतना तो हुआ कि आपको भाई के ताबूत से तीर निकालने का मौका मिल गया। कल असरे आशूर करबला में क्या होगा, जब सैकड़ों तीर हुसैन के बदन में पेवस्त होंगे, बहन 70 कदम से देखती होगी मलून सीने पर चढ़ के बैठा है हुसैन का गला, तन
वतन से जुदा कर रहा है। उसके बाद भी जैनब तीर निकाल सकती थी, लेकिन जैनब क्या करे, जब तक जैनब पहुंचती हुसैन की लाश घोड़ों से पामाल। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।